हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर रोज की तरह आज भी उषा की बहू आरती काम करते हुए जब पकोड़े वाले की आवाज़ सुनती है तो सारा काम छोड़कर मिर्च के पकोड़े लेने बाहर गली में आती है और पकोड़े वाले से कहती है, भैया 2-3 मिर्च के पकोड़े की प्लेट लगा दो। इस तरह आरती कई प्लेट मिर्ची के पकोड़े खरीद कर खा जाती है और आराम से घर आती है। वो भूल जाती है कि किचन में उसने चाय चढ़ा रखी थी और जब वो लौट कर आती है तो देखती है चाय जलने की वजह से केतली में आग लगी है। वो पास में रखे कपड़े में भी फैल चुकी थी। इतने में आरती की सास वहाँ आती है और आग को बुझाते हुए चिल्लाकर आरती से कहती है, क्यों री कहाँ गई थी किचन में चाय चढ़ाकर? सारी चाय तो तेरी जल चुकी है, साथ में इतनी ज्यादा आग फैल गई थी कि थोड़ी देर में अगर मैं ना आती तो तू अपने मिर्च के पकौड़े के चक्कर में पूरे घर को आग लगवा देती। क्यों तुझे इन सभी बातों का ध्यान नहीं रहता कि किचन में चाय चढ़ी है? वो मम्मी जी मैं तो दरवाजे पर ही थी, मिर्च के पकौड़े वाले भैया आए थे तो मैं पकौड़े खा रही थी। हाँ क्यों नहीं, तुझे तो घर में खाना मिलता नहीं है और खाने पीने के चक्कर में ऐसी गलती अगर दोबारा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती चुपचाप सर झुकाए अपनी सास उषा की बात सुन रही थी। शाम में जब सुजीत ऑफिस से आता है तो उषा सुजीत से कहती है, बेटा अपनी बीवी पर काबू रख वरना ये किसी दिन सबको मुसीबत में डाल देगी। क्यों माँ क्या हुआ, कुछ किया क्या आरती ने? कुछ किया ये पूछ क्या नहीं किया इसने, आज तो इसने अपने मिर्च के पकौड़ों के चक्कर में किचन में चाय की केतली में ही आग लगवा दी थी। वो तो मैं ना आती ना समय पर तो ये महारानी मिर्च के पकौड़े ही खा रही होती और पूरे घर में आग लगी होती। आरती ये माँ क्या कह रही है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं जो इस तरह की चीजें करती हो? वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। भला कौन ये सब चीजें जानबूझकर करता है, तुम्हें इन बातों का ध्यान देना होगा। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और न ही माँ करेंगी। आरती ये सब सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही इस हादसे को कुछ समय बीतता है। लेकिन आरती में सुधार नहीं था, वो जैसी थी वैसी ही रहती है। उसने ना तो मिर्च के पकौड़े खाने की लत को कम किया था और ना ही काम चोरी की। ऐसे ही एक दिन आरती की सास उषा उसे आरव को स्कूल से लाने को कहती है और जैसे ही आरती आरव को लाने के लिए बाहर निकलती है तो फिर से उसे पकोड़े वाले भैया दिखते हैं और आरती फिर से रास्ते में ही पकोड़े खाने लगती है और पकोड़े खाते खाते वो ये भूल जाती है कि उसको अपने बेटे आरव को स्कूल से लाना है और वो मिर्च के पकोड़े खाकर घर वापस आती है। और जब शाम में आरती का पति सुजीत ऑफिस से आता है तो सुजीत आरती से पूछता है, आरती माँ और आरव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं दोनों, कहीं मार्केट गए क्या? नहीं नहीं माँ जी तो कीर्तन में गई थी दोपहर में और अब तक नहीं आई हैं। और आरव वो तो सुबह स्कूल गया था, पर स्कूल से मैं उसे लेने गई थी और मैं तो अपनी आदत के चक्कर में यानी मिर्च के पकौड़े खाने के चक्कर में उसे स्कूल से लाना ही भूल गई। क्या सोच रही हो आरती, आरव कहाँ है, सो गया क्या? नहीं जी आज तो मैं उसे स्कूल से लाने ही नहीं गई। क्या मतलब आरती, आज आरव स्कूल से ही नहीं आया, तुम पागल हो, क्यों नहीं गई तुम उसे स्कूल से लेने? मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे स्कूल से लेने तो गई थी पर रास्ते में पकोड़े वाला मिल गया जिस वजह से मैं रास्ते में ही मिर्च के पकोड़े खाने लगी और फिर घर आ गई। सुजीत इतना सुनकर आरव के क्लास टीचर को कॉल लगाता है और हर जगह यही सुनने को मिलता है कि वो तो छुट्टी में ही घर चला गया था। सुजीत ये सुनकर आरती से कहता है, तुम सिर्फ खाती रहो, घर बच्चे ऑफिस में ही कर लेता हूँ, बताओ और कितना खाओगी, बोलो क्या मैं तुम्हारे लिए और मिर्च के पकोड़े ऑर्डर करवा दूं? तुम खड़ी क्या हो, जाओ ना ढूंढो मेरे बेटे को, आज वो घर नहीं आया तो मैं तुम्हें भी घर में नहीं रहने दूंगा। कैसे कर सकती हूँ अपने खाने की वजह से, मैं आज अपने बच्चे को ही ना जाने कहाँ छोड़ आई हूँ, कहाँ होगा मेरा बच्चा। ये बातें चल ही रही थी कि तभी आरती की सास भी घर आती है और उसके पीछे आरव अपना स्कूल बैग ले आता है और अपनी मम्मी से लिपट कर कहता है, मम्मा मम्मा पता है आपको आज ना मैं आपका इंतजार कर रहा था, तभी रोहन की मम्मी ने कहा चलो तुम्हारी दादी आज मेरे घर कीर्तन में आई हुई है, तो मैं उनके साथ स्कूल से सीधा दादी के पास ही था और मैंने खूब मस्ती भी की। चल बेटा तेरा ड्रेस खोल दूं, आजा। आज इसकी वजह से मेरा बच्चा खो जाता, अगर सही टाइम पर रोहन की मम्मी से स्कूल से ना लाती तो आज तो अनर्थ ही हो जाता। मैंने तो बहुत तुझे इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि तुझे भी तो पता लगे तेरी गलती। माँ मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, हर बार कहे तेरा माफ कर दो माफ कर दो,
कहकर वही काम फिर से करती है। इस हादसे को भी कई महीने बीत जाते हैं और अब भी आरती सब से छुपाकर शाम में मिर्च के पकोड़े खाने जाया करती, क्योंकि उसकी मिर्च के पकोड़े खाने की आदत अभी छूटी नहीं थी। और ऐसे ही एक दिन आरती मंदिर के नाम पर घर से निकलते हुए अपनी सास से कहती है, माँ आज मैं ना मंदिर जा रही हूँ। तू इतनी कैसे बदल गई जो तुझे आज मंदिर की याद आ रही है? माँ मंदिर जाने के लिए भी कोई बदलता है क्या? अच्छा ठीक है, जा जा और जल्दी आने की कोशिश करना। झूठ बोलकर तो आरती घर से निकल जाती है मिर्च के पकोड़े खाने, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे उसकी सास का कॉल आता है। बहू तू कहाँ तक पहुँची है? मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। आरती जानबूझकर हेलो हेलो करती है ताकि वो मिर्च के पकोड़े खाए बिना घर ना लौटे, और यही उसे सही लगता है। लेकिन उषा को जब पड़ोसी हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उषा अपनी बहू को पकोड़े खाते देख लेती है, जो कि मंदिर का बोलकर मार्केट में आई थी। उषा जब घर आती है तो सारी बात अपनी बेटी को बताती है। माँ क्या ये सब सच है? हाँ, इसके मिर्च के पकोड़े की आदत हमें छुड़ानी ही होगी। माँ पर कैसे? समझा, यही करना पड़ेगा। ठीक माँ, जैसा आप कहो। अगले दिन आरती घर पर अकेली थी, तभी पकोड़े वाले की आवाज़ सुनकर वो अपना काम छोड़कर भागी भागी दरवाजे पर जाती है और पकोड़े वाले से कहती है, भैया 2-3 प्लेट मिर्च के पकोड़े लगा दो। हाँ जी मैडम, अभी लगा देते हैं। आप नए आए हो क्या इधर? हाँ जी मैडम। पकोड़े वाला आरती को कई प्लेट पकोड़े देकर चला जाता है, जिसके बाद आरती बड़े चाव से उसे खाती है। लेकिन रात में आरती को चक्कर आने लगते हैं और उल्टियां होती है। तभी उषा और सुजीत वहां आते हैं और उषा आरती से कहती है, क्या हुआ बहू? माँ जी, आज एक नए पकोड़े वाला आया था, मैंने उससे पकोड़े लेकर खा लिए, लेकिन उसने शायद उसमें कुछ मिला रखा था। क्या बात कर रही है बहू, मेरी बहू को कौन क्या खिला गया? माँ आप भी बंद करो ये नाटक, मरने दो इसे, इसकी आदत ने तो सबका जीना मुश्किल कर रखा है, छोड़ दो इसे अकेला। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, आखिर है तो तेरी बीवी ना? हाँ माँ, पर इसे हमने कई बार समझाया लेकिन ये नहीं मानी, और आज तो इसने किसी अनजान के हाथों का न जाने क्या खा लिया है जो ये मरने पर लगी है। बेटा इसे ले जाना डॉक्टर के पास। माँ की बात पर सुजीत आरती को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सुजीत को बताते हैं कि जो पकोड़े आरती ने खाए थे उसमें मिट्टी, बालू और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नमक और मिर्च का पाउडर था, जिससे आरती की ऐसी हालत हुई, लेकिन अब वो ठीक है। अगले दिन उषा सुजीत से कहती है, कैसा लगा मेरा नाटक? माँ एक नंबर, और मेरा पकोड़े वाले का गेटअप कैसा था माँ? बोले तो बिंदास बेटा। माँ और बेटी दोनों हंसने लग जाते हैं। इस हादसे के बाद आरती भी सुधर जाती है, क्योंकि इस हादसे ने उसे ही चोट पहुँचाई, और इस वजह से अब वो मिर्च के पकोड़े खाना बिल्कुल छोड़ देती है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रीमा अपनी सास सुमन के साथ मिलकर लड्डू बना रही थी कि ऐसे में सुमन उससे कहती है, अरे बहू लड्डू में तो खुशबू अच्छी आ रही है, मेरी बेटी राधा आएगी ना रक्षाबंधन पे, उसे पसंद तो आएंगे ना? हाँ माँ जी, दीदी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू, और आए भी क्यों ना, आप इतने प्यार से जो बना रही हैं उनके लिए। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते करते लड्डू बना लेती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों काम खत्म करके सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी वहाँ रीमा का पति राज आकर उससे कहता है, अरे रीमा जरा मुझे कुछ पैसे दे दो, राधा दीदी आएंगी रक्षाबंधन पर, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले आता हूँ पहले ही, फिर उनको चिढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं लाया मैं उनके लिए। जी जरूर राज जी, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। रीमा पैसे लेने के लिए कमरे में जाती है, तभी पीछे से सुमन राज को बोलती है, बेटा राज, राखी सिर्फ तेरी बहन की नहीं बल्कि बहू की भी है, आखिर वो भी अपने घर जाएगी अपने इकलौते भाई को राखी बांधने, तो सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने जाएगा क्या? उसको भी साथ ले जा, वो भी कुछ ले लेगी अपने भाई के लिए। हाँ माँ सही कह रही हो आप, मैं अपनी खुशी के आगे तो ये सब भूल ही गया कि रक्षाबंधन रीमा के लिए भी तो उतना ही खास है, आखिर वो भी अपने इकलौते भाई की इकलौती बहन है मेरी तरह। इतने में वहाँ पर हाथ में पैसे लिए रीमा आती है और राज को पैसे देते हुए उससे बोलती है, जाइए राज जी और अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना दीदी के लिए। जाइए क्या, तुम भी चलोगी, तुमने भी तो राखी पर घर जाना है, अमन के लिए गिफ्ट जो लेके आओगी, चलो मेरे साथ, दोनों साथ में लेके आते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से अपनी गाड़ी में खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद
वो खरीदारी करके घर वापस आते हैं और रीमा अपनी सास को गिफ्ट्स दिखाती है, जिसमें वो न्यू डिजाइन की लाई हुई राखी अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है, माँ जी ये देखिए, ये राखी अच्छी लगेगी ना अमन के हाथ पे। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी राखी है, तेरे भाई के हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुमन फोन पर राधा से बात करके रीमा से कहती है, रीमा बेटा राधा 10 बजे तक आ जाएगी, वो राज को राखी बांध देगी, इसके बाद तू भी 12 बजे के आसपास निकल जाइयो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, दीदी के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर रीमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ सुमन और राज बैठे होते हैं। रीमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसकी वजह से सुमन उसे गले लगा लेती है। इतने में राज टाइम देखकर कहता है, माँ देखो ना, दीदी अभी तक नहीं आई, ये ना हर बार टाइम देकर ऐसा ही करती हैं। अरे कोई बात नहीं राज जी, आती होंगी। ये राधा भी ना, उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी अपने घर जाना है। रुक बेटा मैं एक बार कॉल करती हूँ उसको। सुमन कॉल लगाती है पर राधा नहीं उठाती। कई घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। शाम होने वाली होती है, जिसको देखकर सुमन बोलती है, बहू ऐसा कर तू जा, अमन को भी तो राखी बांधना है ना, बेचारा वेट कर रहा होगा तेरा, राधा थोड़ा वेट कर लेगी अब। पर माँ जी अगर दीदी आ गई पीछे से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे रीमा, माँ ठीक कह रही हैं, चलो हम जल्दी से हो आते हैं तुम्हारे घर। राज रीमा को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और उनके निकलने के कुछ ही देर के बाद राधा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगा लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे माँ कैसी हो और भाई कहाँ है, तेरा इंतजार करते करते उनको इतना देर हो गया, अब जाके निकले हैं बेचारे बहू के घर के लिए। क्या भाई भाभी के साथ चला गया, उसको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चला गया। पता था सबको कि तू सुबह 10 बजे आने वाली थी, लेकिन टाइम देख जरा 4 बज रहे हैं। अरे तेरी भाभी का भी तो भाई है, उसे भी तो राखी बांधनी है ना आखिर। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, अब उनकी शादी हो गई है, वो इस घर की बहू है, उनको यहाँ के रिश्तों को ऊपर रखना ही होगा। अरे वो नहीं जा रही थी, मैंने और राज ने ही उसे भेजा है। अब तू शांत हो जा, अभी वो आ जाएगी। आने दो भाभी को, अच्छे से बताती हूँ, खुद तो गई ही, मेरे भाई को भी ले गई जोरू का गुलाम बना के, और तो और पता नहीं क्या जादू कर दिया है, मेरी माँ भी उसी की साइड ले रही है। अपनी माँ को भाभी का साइड लेता देख कर राधा को गुस्सा आ जाता है। कुछ ही देर के बाद रीमा और राज भी घर वापस लौट आते हैं। राज राधा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, अरे दीदी आ गई तुम, सुबह से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, तुम भी ना सुधरोगी नहीं अपनी लेट आने की आदत से। राधा दीदी कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। हाँ हाँ भाभी पता है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है आपको। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी, रीमा सुबह से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही थी, तो खुश क्यों नहीं होगी वो। पहले माँ और अब अपने भाई को भी अपनी भाभी का साइड लेता देखकर राधा रीमा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है और उसे ताने मारते हुए बोलती है, बस बस भाई तुम भी रंग गए अपने बीवी के रंग में, मेरा इंतजार भी नहीं किया और निकल लिए अपनी बीवी के पीछे पीछे, सही रक्षाबंधन का संदेश दे रहे हो तुम। सुमन को राधा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे समझाते हुए कहती है, ये क्या कह रही है तू, अरे त्योहार का माहौल है, प्यार से मना ले, क्यों बेवजह बातें करके सबका मूड खराब कर रही है तू। राधा अपनी माँ की बातों का भी गलत मतलब निकाल कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, वारे भगवान मेरे खुद के घर वालों ने मुझे पराया कर दिया, मेरी भाभी ने मेरी माँ और मेरे भाई को वश में कर लिया है, अब तो वो भी मुझे नहीं सुन रहे हैं। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ भी गलत मत सोचो, और ये आपका भी तो घर है, आप बस काफी देर से आई नहीं थी इसलिए मैं और राज जी निकल गए। किसी की भी बातों का राधा पर कोई असर नहीं होता, उसका तो यही लगा रहता है कि उसकी भाभी ने उसकी माँ और भाई को उसके खिलाफ कर दिया है, और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो रीमा से कहती है, बस करो भाभी, मेरी माँ और भाई को तो तुमने फंसा लिया अपने इस मीठे ढोंग में, मुझे नहीं फंसा पाओगी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमको, यही चाहती हो ना तुम कि मैं इस घर में कभी ना आऊँ, सब तुम्हें ही पूछते रहें।
राधा की ये बातें अब सुमन और राज के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। रीमा को बिना गलती के इतना सुनाता हुआ देखकर राज गुस्से में बोलता है, दीदी बस ये घर आपका है और मैं और माँ आपके लिए हमेशा खड़े हैं, पर आप रीमा पर गलत आरोप लगा रही हो। वो बेचारी कितने दिनों से आपके आने की तैयारी कर रही है, सुबह से आपकी पसंद का खाना बना रही थी वो। अरे राज बिल्कुल सही कह रहा है, अरे बहू तो बेचारी अपने घर भी नहीं जा रही थी ताकि तुझे बुरा ना लगे, तेरे लिए सुबह सुबह पकवान बनाने में लगी हुई थी, गिफ्ट तैयार करने में लगी हुई थी, बेचारी कब से सारा घर का काम कर रही थी। अरे राखी सिर्फ तेरी ही नहीं थी बल्कि उसकी भी थी, अरे वो भी किसी की घर की बेटी है, किसी की बहन है, तुझे तेरा भाई दिख रहा है लेकिन तेरी वजह से बहू के भाई ने शाम तक का वेट किया उसके लिए, और उसका क्या? अगर विश्वास नहीं है तो रसोई में जाकर देख लो कि क्या क्या बना के आई थी रीमा। पर आपने दीदी, आप दोनों चुप हो जाइए, ये घर दीदी का है और अगर आप लोग ही उनको यहाँ ऐसे बोलोगे तो उनके मन में यही भाव आएगा ना। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं अगली बार से आपके आने का इंतजार करूंगी। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और इतना बुरा भला बोलने पर भी रीमा को खुद की साइड लेता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो रोते हुए उससे कहती है, भाभी भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, कितनी गलत सोच थी मेरी, त्योहार के दिन इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, मुझे माफ कर दो भाभी, गुस्सा दिमाग पर चढ़ गया था मेरा, सोच भी नहीं पाई कि क्या क्या बोल गई। दीदी आप माफी मत मांगो, आप तो मेरी बहन जैसी हो और एक बहन कभी भी दूसरी बहन से माफी नहीं मांगती। राधा को अपनी गलती मानता देखकर सुमन और राज को बहुत खुशी होती है और इसके बाद राधा अपनी माँ और भाई से भी माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और रीमा सबसे कहती है, चलिए अब सब राखी का त्योहार है भाई, ऐसे रोते रोते राखी थोड़ी मनाएंगे। दीदी चलिए राज जी को राखी बांधिए। सिर्फ भाई को नहीं आप भी साथ बैठिए, आज बहन भी तो मिली है मुझे मेरे भाभी के रूप में। इतना सब हो जाने के बाद राधा अपने भाई और भाभी को एक साथ बैठाकर उनकी आरती करती है, दोनों को रक्षा धागा बांधती है और पति पत्नी राधा को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। सुमन लड्डू लाकर सभी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन के इस त्योहार को बड़े ही प्यार से मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।